हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा। आज मैं इस गजानिया के प्लांट पर बात करूंगी। ये विंटर सीजन का बहुत ही हार्डी प्लांट है। वैसे तो इसे हम विंटर का प्लांट बोलते हैं, पर ये अगर अच्छे से इसकी केयर की जाए तो ये गर्मियों में भी चल जाता है और नेक्स्ट सीजन के लिए भी इसको हम बचा सकते हैं। तो इसे आप दोपहर की धूप में मत रखिए, इसे बस सुबह शाम की धूप लगाइए। सुबह के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी होती है। ये प्लांट साउथ अफ्रीका से इंडिया आया हुआ है। ये साउथ अफ्रीका का प्लांट है, इसलिए बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। और इसकी प्रपोगेशन हम सीड से भी कर सकते हैं, या फिर इसके साइड में छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं यहाँ से, तो हम उससे भी इसको नए नए प्लांट बना सकते हैं। अभी तो ये मेरा बहुत छोटा सा प्लांट है, इसको मैं अभी कुछ दिन पहले ही नर्सरी से लेकर आई हूँ, तो अभी तो इसमें नहीं निकले हैं नए। और जब निकले तो आप उससे ऐसे बना सकते हैं छोटे छोटे प्लांट नए नए। और इसको मैंने इसीलिए इसको बड़ा पॉट दिया है ताकि ये इसमें अच्छे से फैल सके और अच्छे से फ्लावरिंग भी कर सके। तो इसकी मिट्टी के बारे में बात करते हैं, तो इसकी मिट्टी सैंडी नहीं होनी चाहिए, इसकी मिट्टी हार्डी होनी चाहिए। ये देखिए, इसकी मिट्टी ऐसे हार्ड होनी चाहिए, इसमें सैंड मिक्स ना करें क्योंकि इसको ज़्यादा सैंडी सॉइल पसंद नहीं है। तो आप इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल ही रखें इसके पॉट में। हाँ, इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब पानी इसमें नहीं रोकना चाहिए, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएगा क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसकी जब भी ऊपर की लेयर ये सूख जाए, ऊपर का जब टॉप लेयर सूख जाए, तब आप इसमें फ्लावरिंग मतलब वाटरिंग करें। तो प्लांट आपका बहुत अच्छा चलेगा। और इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें ताकि पानी इसमें खड़ा ना रहे। तो इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसमें हर 20 दिन 25 दिन में थोड़ी सी गोबर की खाद इसके पॉट में मिक्स कर दें तो ये उसके लिए इतना काफ़ी है। या फिर आप थोड़ा सा जब भी आप अपने और प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें तो इसमें भी आप थोड़ा थोड़ा डाल दें, तो इसमें बहुत अच्छे फूल आएंगे और प्लांट भी हेल्दी रहेगा। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इसके फूल बहुत ही सुंदर और प्यारे लगते हैं। इसके फ्लावर पूरे जरबेरा की तरह इसके फ्लावर दिखते हैं, पर जरबेरा के प्लांट फ्लावर 8 से 10 दिन प्लांट पर टिके रहते हैं, लेकिन इसके फ्लावर 2-3-4 दिन ही रहते हैं प्लांट पर, ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। और आप इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए जो ये फ्लावर है, इसको जब ये सूख जाए मुरझा जाए तो आप यहाँ से इसको कट कर दें, तो इसमें नई नई कलियाँ आएंगी और नई नई ब्रांच आएंगी, नई नई कलियाँ आएंगी और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो आप इसको ऐसा ही करें। और इसकी मिट्टी में आप रेत मिक्स ना करें, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएगा, वो मैं बता चुकी हूँ आपको। तो बस फ्रेंड्स, इसके बारे में आज इतना ही। आगे मेरा प्लांट जैसे जैसे बढ़ेगा मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगी फिर। तो थैंक यू फ्रेंड्स। एक प्लांट मैंने और भी लगाया हुआ है, उसमें भी कली आई हुई है, ये देखिए। अभी इसमें पता नहीं कौन सा कलर है, तो
देखते देखते इधर मेरे मैरीगोल्ड में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए। और वो उधर अडेनियम है, इधर ये पिटूनिया के कुछ फ्लावर्स हैं, इधर कुछ डेंथस के फ्लावर हैं, और ये मेरा एक पोर्चुलाका है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाय।